अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पैल, TCL और डाउलेंस तीनों के रिमोट के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इन तीनों के रिमोट में खसूसियत ये है कि तीनों के रिमोट एक जैसे हैं और सिर्फ ब्रांड नाम का फ़र्क है। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डाउलेंस का ये है मेगा T3 Pro इन्वर्टर, इसी के अंदर आया था इससे पहले मेगा T+, और पहल के अंदर आप ये देख रहे हैं सुपर T3 Pro, और इसी में एक आता है सेवर T3। तो इनके फंक्शन तकरीबन सेम ही हैं। तो काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए थे कि यार इनके रिमोट के फंक्शन आप मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको इसके फंक्शन गाइड करने का। अब अभी अपनी स्क्रीन भी देख रहे हैं, ये दो रिमोट रखे हुए हैं मैंने, जिसमें एक पैल का है एक डाउलेंस का है, और TCL का मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर उसका रिमोट निकालते हैं TCL T3 Pro और TCL T5 का, तो वो रिमोट भी तकरीबन सेम ही है, कोई फंक्शन में फ़र्क नहीं है। अब इसको हम ऑन करते हैं। अब ये देखें सर, दोनों हमने ऑन कर लिए हैं, जैसे आप ऐसे ही ऑन करते हैं अपना। अब टेम्परेचर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रखे हैं, 24 पे, 26 पे या 22 पे। मेरे हिसाब से 24 और 26 सबसे अच्छा स्टैंडर्ड मोड होता है टेम्परेचर रखने का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहल का रिमोट मेरे हाथ में है, ये आपने इसको ऑफ कर दिया, फिर दोबारा इसको आपने ऑन कर दिया। तो सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अंदर ये देखें सारी चीज़ें आ रही हैं, स्लिप आ रहा है, टाइमर आ रहा है, आई फील आ रहा है, हेल्थ आ रहा है, मिल्यूडी आ रहा है और डिस्प्ले आ रहा है। अब अक्सर लोग जो हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इसको ऑटो क्लीन कैसे करेंगे। ऑटो क्लीन का थोड़ा सा टिपिकल था इसका, तो मैंने सोचा कि उस पर मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊँ। तो इसको ऑटो क्लीन करने का बहुत आसान तरीका है जनाब, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पावर है, पावर को ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद फिर ऑन करें, फिर ये ऑप्शन दबाएं। अभी भी देखें स्क्रीन पर आपको लिखा नजर नहीं आ रहा, फिर इसको ऑफ कर दें, फिर ये ऑप्शन दबाएं। ये नीचे लिखा हुआ आ गया आई क्लीन, एरो से आप नीचे आ जाएं, ये आप क्लीन से आगे निकलेगा डिस्प्ले पे, डिस्प्ले के बाद फिर आप आगे चले गए तो आप आ जाते हैं क्लीन पे। क्लीन पे आने के बाद आपने ये ऑप्शन दबाना, तो ये आपकी ऑटो क्लीन शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया सर। बाकी जैन मोड का मैंने आपको बताया हुआ, जैन मोड ये L1, L3, L2 जो है, L1 पे 25% सेव कर रहा होता है बिजली को, L2 पे जो है आपका ये 50% सेव कर रहा होता है, और L3 पे जो है ये आपका 75% सेव कर रहा होता है। और इसी मोड को अगर आप दोबारा दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। और टर्बो आप सबको पता है, टर्बो ऑन कर देते हैं आप तो भी इसकी फ़ैन की स्पीड प्लस हो जाती है। और इसके नीचे ये मूड दिया हुआ है, मूड में वही सारे फंक्शन हैं जो मैंने आपको दिखाए थे इससे पहले ऑप्शन के अंदर। बाकी ये फ़ैन की स्पीड है, इसको आप लेफ्ट माइनस कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ़ैन की स्पीड, हजरत ये आपकी लेफ्ट माइनस सब हो रही है आपकी, मैक्सिमम 5 dB है इसके अंदर। ठीक हो गया सर, बाकी तकरीबन सारे फंक्शन तो ऑलमोस्ट आपके सामने आ गए। और ये नीचे इसकी स्विंग दी हुई, यही वाली ये स्विंग है जिससे मेरी फिंगर है, ये लेफ्ट राइट होती है, और ये जो है ये बॉटम पे होती है यानी कि सेंटर में। अब मैं आपको थोड़ा डाउलेंस का भी गाइड कर देता हूँ। अब आप ये हाथ में रिमोट मेरे देख रहे हैं डाउलेंस का, डाउलेंस से भी तकरीबन सेम फंक्शन है। ठीक हो गया भाई जान, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।